वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएचपी वर्चुअल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एफएफसी अपीयरेंसशिप टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1 अक्टूबर 2023 को टेस्ट ली गई थी। ये टेस्ट मैंने खुद दी थी, तो जो जो एमसीक्यूज मुझे याद हैं वो एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ा ओवरव्यू हो के कौन कौन से सवालात आते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा टेस्ट के बारे में बताऊं, तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन थे, और जिसमें से 20 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के और 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के। इसमें सब्जेक्टिव का मतलब है डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब के 20 क्वेश्चन जो थे वो केमिकल इंजीनियरिंग में से थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, जो के 0.5% सब्जेक्टिव और 0.25% जनरल पोर्शन के लिए थी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैपिटल ऑफ यूएसए, दूसरा क्वेश्चन कैपिटल ऑफ जापान, और विच प्रोविंस कॉल्ड बाबुल इस्लाम लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया वाइज, मतलब कि कौन सा कंट्री लार्जेस्ट है एरिया के हिसाब से, और कौन से प्रोविंस में डेजर्ट नहीं है, पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में डेजर्ट नहीं है। और उसके बाद स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद जो है वो बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मुस्लिम कंट्री। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सवालात बताऊंगा, अगर आंसर बताऊंगा तो वो वीडियो बड़ी हो जाएगी। और दूसरे जीके के क्वेश्चंस, पाकिस्तान प्रेजेंट इन देश एशिया, मतलब कि पाकिस्तान कौन से जगह पे वाक़े है एशिया में, और हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, तुर्की कब रिपब्लिक हुआ, और लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। तो ये थे जीके के क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं, और दूसरे वीडियो में हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे टेस्ट के दूसरे पोर्शंस। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।